सामने व्यूअर कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी आपके दोस्त ठीक हूँ। आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैं भी सुबह नहा धो के फ्रेश हुआ हूँ। नाश्ता आया है आलू सालन ये वो फलांटिंग दही पराठा। नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद देखते हैं करना क्या। सुबह सुबह बिल आ गया वो पता नहीं कौन सा है। मैं भी देखता हूँ घंटी बजी हो गया आपके सामने। बिल जनाब साहब आया पानी का। हाँ चेक करो पानी का बिल आज आ गया सुबह सुबह। ये है मेरे ख्याल से 2 महीने हो गया ना मैंने जमा नहीं कराया था पिछले महीने याद भूल गया था याद। और ये इसका भी लास्ट टाइम 1900 रुपया। इसको भी जमा कराते हैं। उसके बाद ना कल की मैं एक शीट दे के आया हूँ जो फाइबर की शीट थी बनवाई थी छोटी हो गई थी उसको बड़ा करवाना था वो लेके आनी है। एक जगह पे स्टील के ग्रिल लगाने हैं हमने उसका और सामान लेके आना है। सामान लेके आता हूँ बिल जमा करा के आता हूँ फिर जो है देखते हैं काम आज किस तरफ जाना है हमने क्या हवा चलेगी। भाई साहब उतनी सफाई करेंगे सामान वगैरह बाहर निकालेंगे तो मैं वहाँ से होकर आता हूँ। लो जी इस तरह है पाकिस्तानी का जुगाड़ जो होते हैं ना पैसे बचाने वाले। टोटल रिश्ते कराया ना भरना पड़े। पहले मैं शीट लेके आया था बाइक पर रखी है अभी मैं ये सामान लेके आया हूँ। बाइक काफ़ी ज़्यादा है अल्लाह का शुक्र है खैर से पहुँच गया। ये पिलर है सीढ़ियाँ जो लगती है ना रेलिंग स्टील की लगी होती है आपने देखी होगी अक्सर शॉपिंग मॉल में घरों में लगती है ये किसी घर में लगनी है। इसके साथ ये रावल बोल्ट इस्तेमाल होते हैं ये बोल्ट जो लगाने होते हैं ना ये मैं लेके आया हूँ। इनका जो भी छोटा मोटा काम हमने इधर करना है इन लोगों का ना तो वो भी करते हैं साफ पूछ करते हैं उसके बाद चलेंगे जहाँ पे ये फिटिंग करने हैं उनके घर लेके चलेंगे। पहले ये नट बोल्ट इनके फिट कर रहे हैं। ये जो नट लगाए जा रहे हैं ना भाई साहब भी लगा रहे हैं सारे ठीक है लगा के दिखाते हैं आपको भी। उसके बाद फिर तुहाड़ा भरा भी शुरू हो जाएगा नट लाने वास्ते। इस तरह से ना ये सारे जो है ना नट ये वाले पिलर जो हैं हमें इनको ना हम अपनी जबान में पिलर बोलते हैं। पिलर मीन्स कि थंब किसी भी चीज़ को खड़ा करने के लिए ये ग्रिल का जो है ना मेन हिस्सा होता है। इनको भी सैसरी लगा के लेकर चलते हैं सारे पिलर जो है इनको ये चेक कर लें गोटेज वगैरह लगा लिए मैंने एक्सेसरी जिसे कहते हैं ना ये बेस कप ठीक है। अभी इनको वापस इस तेल में डालेंगे लेके चलेंगे जहाँ इनके घर फिटिंग करनी है उनके घर लेके चलते हैं। ये पिलर जो हम लेके आए थे ना एक साइड पर हमने आग लगा दी है 1 2 3 4 काम जो है ना हमारा इधर हो गया ख़त्म। और मौसम बड़ा प्यारा हो गया शाम का टाइम है सूर्य ग्रूब हो रहा है। ये पिलर ऊपर वाले फ्लोर पर लगाने थे हमने ठीक है। और जो पहले लगा के ना वो शायद आपको नज़र आ रहे हो ये नीचे लगे हुए हैं वो मोटरसाइकिल से थोड़ा सा ऊपर। अभी सीढ़ियों पे हमने जो काम किया मैं जाते हुए आपको वो भी दिखाता हूँ। ये मेरे सामने आपको बिल्डिंग शायद नज़र आ रही हो ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है इसके बारे में आपको मैं कल बताऊँगा क्योंकि कल भी हमने काम इधर ही करना है। अभी नीचे चलते हैं जो काम मैंने नीचे किया पिलर जो लेके आए थे कहाँ कहाँ लगाए मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो एरिया ना ये जो आपको पत्थर पड़े हुए हैं शॉपर लगा हुआ यहाँ पर पिलर लगने हैं। इसी तरह ये सीढ़ी जो है इसके ना पिलर कुछ कम पड़ गए हैं तो वो सुबह लेके आएंगे। ये पूरी ऊपर की फ्लोर की जो सीढ़ी है ना इसके नहीं लगे यानी कि ये वाला जो एरिया और एक ये ऊपर वाला जो रहता है ये सुबह भी लगाकर लगाएंगे जो लगा दिए ये भी चेक करें। ये देखें यहाँ पर जो है ना हमने लगा दिए हैं सारे इसके ऊपर कल जो है पाइप वगैरह लगाएंगे काम हमारा इधर से फिर 2-3 दिन लगने इस काम को सारे को हो जाएगा क्लियर। लो जी वापस आ गए दुकान पे उतार लेके काम जो था वहाँ पर कराए अभी टाइम हो रहा है तकरीबन मगरिब का काम अभी दुकान पे तो कोई भी नहीं करना वैसे ही बैठते हैं। चांद भाई नहीं आना उनको फ़ोन करते हैं वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये जो शीट सुबह लेके आए थे ना अभी इसकी फिटिंग करने जाना है क्योंकि ये अभी मगरिब के टाइम हो सकती है तो आज उनका फ़ोन आ गया कि आप आके घर में ना मेरे काम कर दें क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी हैं कोई जॉब करते हैं इस तरह से जो है ना दिन के टाइम वो घर नहीं होते तो अभी उनका फ़ोन आया कि भाई साहब आके हमारा काम कर दें तो सोचा था घर जाएंगे लेकिन अब ये पहले काम कर लें उसके बाद घर जाते हैं। ये उठाते हैं सामान औजार वगैरह उठाते हैं निकलते हैं दुकान बंद करके इसलिए बंद करनी पड़ती है कि मेरे पीछे आपको नजर आएगा कोई हमारे इर्द की जो ऐसी दुकान है ना वो खुली नहीं होती इस वजह से फिर हम बंद करके जाते हैं क्योंकि इनका कोई टाइम नहीं है किस टाइम इन्होंने आना किस टाइम नहीं आना इनका कोई टाइम नहीं होता ना दिन का ना रात का बे टाइम आते हैं बे टाइम चले जाते हैं इस वजह से हम भी जाते हैं फिर काम करने के लिए हमें बंद करके जाना पड़ता है। ये शीट लगानी है ये कभी ग्रिल के साथ यहाँ से ना डस्ट वगैरह अंदर आती है दो छोटी छोटी मतलब बड़ी तो छोटी भी नहीं है बड़ी भी नहीं है बिल्डिंग है बड़ी खूबसूरत। शीट लगा के आ गए हैं दुकान पे सामान रख लिया अभी घर चलते हैं दुकान बंद करके इतना ही काम था वो मतलब 4-5 पेज लगाने से थोड़ा सा काम था हमारा करके आ गए हैं। दोबारा मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई वो लेडीज थी इस वजह से जो था ना बंदा मुनासिब नहीं लगता फिर तो लगा के मैंने आपको इसलिए नहीं देखा वो ग्रिल थी एक
बरामदे के आगे जो लगी होती है ना उसके आगे लगानी थी ताकि डस्ट वगैरह जो होती है ना हवा के साथ वो अंदर ना आए, इस वजह से वो लगाई है ताकि शीशा वहाँ पर लग नहीं सकता था क्योंकि ऑप्शन नहीं थी शीशे की। शीशा जब लग सकता है जब आप पहले उसकी जगह रखवाएं, उसकी ऑप्शन तैयार कराएंगे तो फिर शीशा लगेगा, तो भाई शीशा नहीं लग सकता। तो अभी जो है दुकान बंद करते हैं, ये पानी वाला कूलर घर ले जाएंगे, उसको रोजाना जुला के ला के पानी साफ करना पड़ता है। 8 बज गए हैं, 10 मिनट रहते हैं अभी, मैं भी घर पहुँचा हूँ, नहाते हैं फ्रेश होते हैं, उसके बाद देखते हैं खाने में आज क्या है। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लग रही है, आपको पता है दोपहर को लंच भी नहीं किया, किसी के घर काम करने गए थे वहाँ पर क्या मतलब बाहर निकलते ये करते, फिर इस वजह से जो है ना हमने काम ही करते रहे हैं, खाना खाया ही नहीं। खाने में है जी दाल की है सालन और साथ में चावल, दाल की आ कद्दू शरीफ जिसे कहते हैं ना वो डाल के हमारे घर बनता है, अक्सर घरों में बनता होगा लेकिन आज हमारे घर ये बना हुआ है। मैं भी खाना खाऊंगा, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। अब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।